today जो हमारा टॉपिक है that is based upon the taxonomic categories. बायोलॉजी की अगर बात करें एनसीईआरटी के पहले ही पेजेस पे है इनिशियल पेजेस जो वहां पे है वहां पे ये टर्म पाया गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये टैक्सोनॉमी क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन क्या हुई, क्लासिफिकेशन क्या हुई, नामकरण. थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे जाएंगे ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहाँ पे वर्क कर रहा है. अगर हम लिविंग डायवर्सिटी की बात करें कितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे नेचर में, तो इनको यहाँ पे डिवाइड किया गया है. सिर्फ एन एग्जांपल हम बता रहे हैं सर, दिस इज किंगडम प्लांट, ये सर है एनिमेलिया, सर ये हो गया कॉर्डेट्स, दीज आर वर्टिब्रेट्स, दीज आर मैरीन एनिमल्स, दीज आर एक्वाटिक एनिमल्स, दीज आर एरियल एनिमल्स, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये किस बेस पे आप कर रहे हो कि ये सर किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम ये है. तो ये अगर हम किसी बेस पे कर रहे हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में. तो ये कौन चीज सिखा रहा है आपको कि इनको आप डिवाइड करो, ये हो गया किंगडम एनिमेलिया. वो सब्जेक्ट है दैट इज रिलेटेड विद द टैक्सोनॉमी. तो टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग से डिवाइड किया गया है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. टैक्सोनॉमी मीन्स लॉ ऑफ अरेंजमेंट. यहाँ पे किन का आप अरेंजमेंट कर रहे हो, यहाँ पे अगर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कर रहे हैं लिविंग डायवर्सिटी की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे इनको हम अरेंजमेंट कर रहे हैं. किस बेस पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अरेंजमेंट मीन्स टैक्सोनॉमी. यह हम बता सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नामकरण. टैक्सोनॉमी में तीन चीजें आ रही है आपके, एक तो आपको ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई के बाद आपको ये क्लासिफाई करना है, उसके बाद आपको करना है नामकरण. आइडेंटिफाई जब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बाद आप इसकी कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं. यू आर स्टडीइंग द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब कैरेक्टर्स आपने स्टडी की दैट इज टर्म्ड एज क्लासिफिकेशन. उसके बाद है नामन कल्चर. उसके बाद आप क्या कर रहे हो यहां पे, आप इनको कौन से नेम्स दे रहे हो, साइंटिफिक नेम्स. ये साइंटिफिक नेम्स यूनिवर्सल है. तो क्या है, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, पहले अरेंज कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, इस ब्रांच को हम बता रहे हैं टैक्सोनॉमी. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टर्स. क्या ये वाटर एनिमल है, क्या ये ओविपैरस है, क्या ये विविपैरस है. जब क्लासिफिकेशन होगी उसके बाद आप इसको क्या कर रहे हो, साइंटिफिक नेम्स. मतलब है एक यू साइंटिफिक नेम्स, आप कौन से नेम्स दे रहे हैं उनको, साइंटिफिक नेम्स. एट से आपने पढ़ा होगा मैग्निफेरा इंडिका, सर दिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. सर ह्यूमंस की अगर बात करेंगे होमो स्पैन, होमो स्पैन. कुत्ते की अगर हम बात करेंगे दैट इज कैनिस फैमिलियरिस, दैट इज कैनिस फैमिलियरिस. तो नॉर्मल कल्चर पहले आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया. सिंपल एग्जांपल, कहीं भी आपने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा, आपने सिर्फ कहीं पे एक मैंने ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा आज तक कभी देखा ही नहीं था मैंने इसको. जब आप इसे कैरेक्टर्स पढ़ रहे हो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैंने देखा दैट इज द आइडेंटिफिकेशन. अब उसके बाद आप इसको क्लासिफाई कर दो, क्या ये वाटर में देखा मैंने, देन इट इज वाटर एनिमल. क्या ये एरियल था, देन इट इज एवस. क्या ये वाइल्ड में था, तो आप इसके कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो. पहले आपने आइडेंटिफाई किया इसको न्यू ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद आप कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो दैट इज टर्म्ड एज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के बाद क्या कर रहे हो आप, अब इसका साइंटिफिक नेम ले रहे हो. कभी कभार अगर हम यहां पे क्लासिफाई नहीं कर रहे तो हम कहां जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर इंस्टीट्यूट जा सकते हैं. IUCN है हमारे पास, बॉटनिकल के लिए अलग है, जूलॉजिकल के अलग अलग इंस्टीट्यूट है जहां से हम इनको स्टडी कर रहे हैं, जहां से इनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो नॉमेनक्लेचर में क्या आते हैं आप, साइंटिफिक नेम्स. और इन साइंटिफिक नेम्स का क्या है, दीज आर यूनिवर्सल. ये साइंटिफिक नेम्स क्या है, यूनिवर्सल. प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बहुत सारे रिसर्चर्स थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वर्क कर रहे थे, लेकिन आपको ये भी मालूम है हर एरिया की एक बात अगर हम करेंगे विद इन किलोमीटर देयर इज चेंज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज चेंज हो रही है. तो कंट्रीज की भी अगर बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक लैंग्वेज होगी, चाइना में दूसरी, इंडिया में तीसरी, हर एक रीजन में अलग अलग लैंग्वेज है. वो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम आएंगे.
तो जब अलग अलग नाम आएंगे, कोई कोई हम अपने की चाइनीज में डॉग का कुछ अलग नाम होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा कुछ, यूएसए में अलग नाम होगा, तो एक कंफ्यूजन था कुत्ते को क्या बोलेंगे। तो ये नॉमन कल्चर इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे साइंटिस्ट में क्या चलन में आया कि क्यों ना हम क्या कहेंगे, हम इनको यूनिवर्सल नाम देंगे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उन यूनिवर्सल नेम को बोल रहे हैं साइंटिफिक नेम्स, इनको क्या बोल रहे हैं साइंटिफिक नेम्स। तो ये साइंटिफिक नेम्स की अगर हम बात करेंगे, ये भी आप अगर दे रहे हो, आप ये आप दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, किस बेस पे दे रहे हो, कैरेक्टर्स बेस पे। से फॉर एन एग्जाम्पल कैनिस फैमिलियरिस, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग, कैनिस फैमिलियरिस किसका नाम है साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। कुत्ता तो हम सब जान रहे हैं, हर गली में हो रहा है कुत्ता, कहीं पे भी पाया जाता है, तो नाम क्या है साइंटिफिक, कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस। तो अगर हम यहां से देखेंगे इस टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, पहले एरिस्टोटल आए थे, एरिस्टोटल के बाद कौन आए थे, कैनिस लीनियस। आजकल जो टैक्सोनॉमी आप पढ़ रहे हो दैट इज लीनियन टैक्सोनॉमी, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो है कैनिस लीनियस। लीनियस ने ये कहा कि अगर हमें साइंटिफिक नेम देने होंगे, यहां पे बहुत बड़ा वर्क किया लीनियस ने, उन्होंने क्या बोला, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टर। और लीनियस ने क्या बोला, ये साइंटिफिक नेम जो हो इट मस्ट बी ऑफ टू पार्ट्स, सी पर हमें कैनस एंड फैमिलियस। एज पर लीनियस कैनस का मतलब है जीनस, फैमिलियस का मतलब है स्पीसीज। इवन कि लीनियस ने अपना नाम भी चेंज किया, फिर उसने खुद को भी रखा टू पार्ट्स का नाम कैरोलस लीनियस। अब बात है यहां पे कैनस लीनियस के कैरोल कैनस फैमिलियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग, तो किस बेस पे है ये, इट इज बेस्ड अपॉन द कैरेक्टर्स, कैनियस मीन्स कैनियन, कौन से टीथ होने चाहिए, कार्निवोरस, जो फ्लश ईटर्स है, जो भी कोई फ्लश ईटर है वो किस में आ रहा है, कैनस में। सेकंड क्या है यहाँ पे फैमिलियरस, फैमिलियरस क्यों नाम पड़ा, अगर आपको कहीं भी जाओगे आपको कुत्ता मिलेगा, इट इज फेमस। अगर किसी की रिसर्च कुत्ते पे चल रही होगी, दूसरा बंदा होगा उसका रिसर्च लायन पे चल रहा है, लायन वाले बेचारे को बहुत मुश्किल होगा, उसको जंगल जाना होगा लायन देखने के लिए, लेकिन जिसको कुत्ते पर है कहीं भी गली में कुत्ता मिलेगा इसको, दैट इज व्हाई इसका नाम पड़ा कैनस फैमिलियरस, ये हर एक जगह है। तो गरज क्या मुझे बताना है यहाँ पे, अगर साइंटिफिक नेम भी हम दे रहे हैं यहाँ पे, वो दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, किस बेस पे दे रहे हैं, कैरेक्टर्स के बेस पे, कैनस फैमिलियरस। ह्यूमन्स की बात करेंगे, लोअर क्लास से हम पढ़ के आए हैं, ह्यूमन्स का नाम है होमो स्पेर, होमो क्यों पढ़ा नाम, बहुत सारी स्पीसीज इसमें होंगे। और स्पेन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, स्पेन मीन्स ये मॉडर्न सबसे वाइज ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट वाइज जो है दैट इज स्पेन, दैट इज व्हाई होमो। होमो तो यहाँ पे जीनस की बात करेंगे, बहुत सारे आएंगे इसमें होमो की में, लेकिन स्पेन अगर देखेंगे स्पेन क्यों हमें नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम वाइज है, नाउडेज हम बोल रहे हैं होमो स्पेन स्पेन, अब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए। लेकिन गरज क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, साइंटिफिक नेम आप दे रहे हो वो किस बेस पे दे रहे हो, ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टर, दैट इट मस्ट बी ऑफ टू पार्ट्स, तो ये दो पार्ट्स भी किसने सिखाया हमें, दैट इज द कैरेक्टर्स लीनियस। नाउडेज वी आर सेइंग वी आर स्टडीइंग लीनियन क्लासिफिकेशन, तो ये सारा का सारा पढ़ना किस में आ रहा है, टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी क्या है, ये लिविंग डाइवर्सिटी को डिवाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, किस बेस पे कर रहा है, कैरेक्टर्स के बेस पे कर रहा है। सही पर एन एग्जाम्पल आज आपका मैं पढ़ रहे होगा सर, लिविंग डाइवर्सिटी को डिवाइड किया है फाइव किंगडम्स में, विजय कर रहे किंगडम प्लांट है, किंगडम एनेट है, किंगडम प्लांट है, एनेमेलिया, फंगस, मलेरिया, ये सारे आप डिवाइड कर रहे हो, इट इज बेस्ड अपॉन द टैक्सोनॉमी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई, थ्री किंगडम आई, फोर आई, फाइव, सिक्स किंगडम भी है यहाँ। तो आप यहाँ पे आप पढ़ रहे हो सर हमें बॉटनी पढ़नी है, प्लांट्स, आगे सर हमें जूलॉजी पढ़नी है, एनिमल्स, ये एनिमल्स ये प्लांट्स, ये कौन सिखा रहा है हमें, ये सिखा रहा है यहाँ पे हमें टैक्सोनॉमी। लिविंग डाइवर्सिटी को अगर डिवाइड किया है, ये किसने डिवाइड किया है, टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ट के लिए, अगर हम यहाँ से लेंगे एक एग्जाम्पल हम कोट करेंगे, लेट अस कोट एन एग्जाम्पल, सिंपल एन एग्जाम्पल, हमें टैक्सोनॉमी कैटेगरीज असल में चाहते हैं, लेट अस कोट एन एग्जाम्पल, हम क्या ले रहे हैं, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंपल एन एग्जाम्पल टाइगर, सिंपल एन एग्जाम्पल हम कौन सा ले रहे हैं, टाइगर ले रहे हैं हम यहाँ पे। टाइगर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, आपको इसको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं इसको किंगडम में,
हम किस बेस पे ले रहे हैं इसको? किंगडम की बेस पे ले रहे हैं हम इसको। तो किंगडम की अगर हम बात करेंगे, आप बताइए सर ये आ रहा है एनेमिलिया, ये किस में आ रहा है? एनेमिलिया। तो टाइगर को क्यों एनेमिलिया में डाला है? क्योंकि इसके वो कैरेक्टर्स है। सिंपल एग्जांपल, दिस इज हर्बीवोरस, सो दिस इज ये इसका बोलिए दिस इज द कार्निवोर। और हम बताएंगे यहाँ पे इट इज द हेटेरोट्रॉफ। मेन डिफरेंस जो किंगडम एनिमल एंड प्लांट है, प्लांट सब ना खुद नहीं बना पा रहे। तो एनिमल्स की अगर बात करेंगे दे आर हेटेरोट्रॉफ। तो टाइगर की भी अगर बात करेंगे इट इज हेटेरोट्रॉफ, इट शोज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जो प्लांट एनिमल्स के कैरेक्टर्स है वो टाइगर में शेयर कर रहे हैं एनिमल्स के साथ। इसी एनिमल्स में अगर हम देखेंगे से फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम बहुत सारे आर्टिकल ले रहे हैं। से फॉर एन एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टार फिश, दिस इज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड आप ले रहे हो फिश, थर्ड आप यहां से ले रहे हो काउ, यहां से ले रहे हो आप इसमें कैट, डॉग, लायन, टाइगर एंड चीता। तो यहां पे किंगडम एनिमल की अगर हम बात करेंगे, स्टार फिश भी एनिमल में आ रहा है, फिश भी एनिमल में आ रहा है, काउ भी एनिमल में आ रहा है, कैट, डॉग, लायन, टाइगर एंड चीता। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम यहां से देखेंगे ये किन किस सब कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं। इट शेयर द कैरेक्टर किंगडम एनिमल। लेकिन हम किस को तलाश पर कर रहे हैं यहाँ पे? टाइगर को। अब ये किंगडम के बाद हम ले रहे हैं से फॉर एन एग्जाम्पल फाइलम। अब क्लास में टाइगर को करना है आपको, किंगडम के बाद अब आपका आ रहा है फाइलम। फाइलम की अगर बात करेंगे ये किस फाइलम में आ रहा है? कॉर्डेटा। ये किस फाइलम में आ रहा है? कॉर्डेटा। क्योंकि इनके पास क्या है, हम टाइगर को क्लास में करें इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, नोटो कार्ड है। तो यहां से अगर हम देखेंगे स्टार फिश को आप यहां से क्रॉस मारिए है तो ये एनिमेलिया, लेकिन ये वाला सिट ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फॉलो कर रहे? क्योंकि इनके पास ना तो नोटो कार्ड है ना तो इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। अगर हम यहां से देखेंगे कॉर्डेटा की बात करेंगे, अब यहां से आपका आएगा फिश, काउ, कैट, डॉग, लायन, टाइगर एंड चीता। तो ये फिश है यहाँ पे, काउ, कैट, डॉग, लायन, टाइगर एंड चीता, ये सारे के सारे क्या है? इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, नोटो कॉर्ड है। लेट्स वाई हम किस फाइलम में डाल रहे हैं इसको? फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन किंगडम की अगर हम बात करेंगे, किंगडम एनिमल में यहाँ किसने ज्वाइन किया था? स्टार फिश ने। लेकिन सेकंड स्टेप पे क्या है, स्टार फिश को आप एलिमिनेट कर रहे हो। क्यों एलिमिनेट कर रहे हो? क्योंकि इसके पास नोटो कार्ड नहीं है, इट इज अ नॉन कार्ड। तो सेकंड स्टेप जो किंगडम के बाद आ रहा है दैट इज द फाइलम। फाइलम के बाद आपका आ रहा है यहाँ पे क्लास। किंगडम ही है, फाइलम के बाद हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे? क्लास। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्लास की अगर हम बात करेंगे, हम बता रहे हैं सर क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। क्यों हम किंग को क्लास में करें? हमें टाइगर की क्लासिफिकेशन चाहिए। क्लास मैमेलिया में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये अपने यंग वन उसको क्या दे रहे हैं? मिलिक दे रहा। अब हम यहां से देखेंगे, यहां से किसको हम कैंसिल करेंगे? दैट इज द फिश। फिश तो है कॉर्डेटस लेकिन मैमेलिया में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप फिश को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे किस किस को डालेंगे? काउ को डालेंगे, कैट को आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, डॉग को ऐड कर सकते हो, लायन, टाइगर एंड चीता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ऑर्गेनिज्म कम हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एनिमल जाता है स्टार फिश, फिश, काउ। अब हम फाइलम क्रॉडेटा पे आए, स्टार फिश यहाँ से एलिमिनेट हुआ। थर्ड की अगर बात करेंगे डेट इज द क्लास मैमेलिया, जो मिलिक दे रहे हैं हम इसको क्लास पे कर रहे हैं टाइगर को। तो यहां से क्या उठ रहा है? फिश। बाकी ये सारे क्या है? अपने यंग वन उसको क्या दे रहे हैं? मिलिक। अब थर्ड स्टेप जो यहाँ पे किंगडम के बाद है फाइलम क्लास, नेक्स्ट आप ले रहे हो ऑर्डर। जब हम ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डर लाइन टाइगर की अगर बात करेंगे, ये आ रहा है आपका कार्निवोरा में। इसमें आ रहा है कार्निवोरा। कार्निवोरा की अगर बात करेंगे दीज आर फ्लश ईटर्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैर्नियोरस है जो फ्लश खा रहे हैं वो किसमें आ रहे हैं? कार्निवोरा में। तो अगर हम कार्निवोरा में देखेंगे यहां से कौन हमारे कार्ड हो रहा है? इलिमिनेट हो रहा है, दैट इज द काउ। काउ की अगर बात करेंगे ये यहां से इलिमिनेट हो रहा है क्योंकि काउ दैट इज द हर्बीवोरा। तो यहां से हम क्या ले रहे हैं? कैट भी आप ले रहे हो, डॉग भी आप ले रहे हो,
लायन भी आप ले रहे हो, टाइगर भी आप ले रहे हो, चीता भी ले रहे हो। तो यहां से क्या हो रहा है, विद द मैसेज आता है स्टेप बाय स्टेप, क्या हो रहा है, एक एक ऑर्डर में इलिमिनेट हो रहा है। दैट इज व्हाई यहां से फाइलम के आगे आप क्लास डाल दो, क्लास के आगे आप ऑर्डर डाल दो, फाइलम क्लास ऑर्डर। उसके बाद आ रहा है आपका फैमिली, क्योंकि हम क्लास पे कर रहे हैं टाइगर, टाइगर की अगर बात करेंगे ये किस फैमिली में आ रहा है, फैमिली में आ रहा है फिलेडे, एम ई एल एल आई डी ए ई। और अगर हम फ्लेडे की बात करेंगे ये वो कैट, इसमें ज्यादातर कैट फैमिली आ रहे हैं जिनके पास रेट्रेक्टाइल क्लाउज होंगे। रेट्रेक्टाइल मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल क्लाइम कर सकता है इजिली कहां से, ट्रीज पे। अगर हम देखेंगे यहां से रेट्रेक्टाइल क्लाउज किसके पास है, कौन क्लाइम कर सकता है ट्रीज पे, दैट इज द कैट, दैट इज द लायन, दैट इज द टाइगर, दैट इज द चीयर। यहां पे कौन एलिमिनेट हो रहा है, वो डॉग एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि डॉग के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कहां पे क्लाइम करे, ट्री पे क्लाइम करे। तो यहां पे क्या क्या आ रहा है, कैट ज्वाइन कर रहा है, लायन ज्वाइन कर रहा है, टाइगर ज्वाइन कर रहा है एंड चीता ज्वाइन कर रहा है। तो यहां पे जो एलिमिनेट हुआ वो हुआ डॉग। तो यहां पे हम क्या बोले सर, कैट की बात करेंगे, लाइन की बात करेंगे, टाइगर की बात, कौन चीता की बात, ये एक ही फैमिली में है। अगर हम कॉमन सेंस की भी अगर बात करेंगे, बहुत बार क्या हो रहा है, कैट किसके साथ मैच हो रहा है, लाइन के साथ, कैट और लाइन बहुत करेक्टर आपस में मैच कर रहे हैं। तो डेट मीन्स ये फैमिली है यहाँ पे फिलेडे, फिलेडे में किसने ज्वाइन किया, कैट ने ज्वाइन किया। तो कैट लाइन और टाइगर बहुत सारे करेक्टर्स इनको आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद है ऑर्डर था यहाँ पे, फैमिली था यहाँ पे, उसके बाद आ रहा है जिनस। जिनस की अगर हम बात करेंगे, हमें टाइगर की क्लासिफिकेशन करनी है, यहाँ पे आप डाल रहे हो पैंथा, यहाँ पे आप क्या डाल रहे हो पैंथ्रा। तो ये हुआ फैमिली, फैमिली के बाद क्या आया जिनस, जिनस के बाद क्या आया पैंथ्रा। तो पैंथ्रा की अगर हम बात करेंगे, पैंथ्रा में आपका आ रहा है लायन, टाइगर एंड चीता, लायन टाइगर एंड चीता। तो यहां से कौन इलिमिनेट हो रहा है, दैट इज द कैट। तो हमें किसको क्लासिफाई करना था, टाइगर। तो यहाँ पे आप जिनस की अगर बात करें, पैंथ्रा में क्या क्या आ रहा है, लायन, टाइगर एंड चीता। तो डेट मीन जिनस की अगर हम बात करें, जिनस के बाद क्या आ रहा है, दैट इज द स्पीसीज। जिनस के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, दैट इज द स्पीसीज। तो हम इसको क्लासिफाई करें टाइगर को, यहाँ पे आएगा आपका टाइगर। जब इसका हम साइंटिफिक नेम यहाँ पे दे रहे हैं, दैट इज द पैंथा टाइगर, पैंथा टाइगर। तो आपको क्लासिफाई करना था टाइगर को, लास्ट पे हम स्पीसीज पे आए, यहाँ पे टाइगर है, इसका साइंटिफिक नाम है पैंथा टाइगर। ये भी कह रहे हैं उस लिनियस ने भी क्या बोला था, जो भी साइंटिफिक नेम होगा इट मस्ट बी ऑफ टू पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या एक सीक्वेंस बनी, दिस सीक्वेंस इज नोन एज हायरार्कियल सीक्वेंस। यह लेटर सर बना यहाँ पे, सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल जिनस एंड स्पीसीज, दीज टू आर मोर रिलेटेड, जिनस एंड फैमिली, दीज टू आर मोर रिलेटेड, फैमिली एंड ऑर्डर, दीज टू आर मोर रिलेटेड। यहाँ पे ये दो रिलेटेड होंगे, एक एक ऑर्गेनिज्म जब यहाँ इलिमिनेट हो रहा है, दैट्स व्हाई एक लेटर राइट सेटअप बना रहा है। इसी की वजह से हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इस सीक्वेंस को हम क्या बता रहे हैं, हायर आर्कियल सीक्वेंस।